नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करूंगा करीबन 3 से 4 कंपनीज के बारे में, और इस चारों कंपनी में एक अच्छा खासा टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स बना है, और साथ ही साथ कंपनी का फंडामेंटल्स भी बहुत स्ट्रांग देखने को मिला है, जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो इस वीडियो के साथ जरूर, मतलब इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए, क्योंकि कंटिन्यूसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट इसी चैनल के माध्यम से आपको मिलता रहेंगे। तो सबसे पहले मैं जिस कंपनी के बारे में डिस्कशन करूँ उसका नाम है अदानी पोर्ट। देखिए, अदानी पोर्ट जो है, अदानी पोर्ट एंड स्पेशल जो इकोनॉमिक जोन है, वो अदानी ग्रुप के एक पुराना कंपनी है। और बहुत सारे लोग मुझे बहुत बार इस क्वेश्चन को किया कि सर, हिंडनबर्ग के रिपोर्ट के बाद अदानी का तो हालत खराब हो गया, तो कंपनी बर्बाद हो जाएगा। तो जब नीचे साइड से कंपनी का रेंज हुआ था 500, 450 लेवल तक, 450 लेवल में मैंने बाई किया था, और मैंने आपको वीडियो भी बना के दिया था, और मैं आपको दिखाऊंगा कौन से लेवल में एक ट्रेड बना, और वो आपको किस तरीके से ट्रेड बना था वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। उससे पहले देख लीजिए, जो लोग ये सोच रहे हैं कि कंपनी खराब है, कंपनी अदानी ग्रुप के ऊपर है, बहुत ज्यादा कर्जा है, कंपनी बर्बाद हो जाएगा, उसके लिए मैं एक ही चीज कहूंगा, इंडिया के नंबर वन जो पोर्ट बिजनेस करने वाला कंपनी है वो है अदानी। अदानी का सबसे बड़ा पोर्ट है आप सभी जानते हैं, उसके साथ साथ और भी बहुत सारे पोर्ट्स वो ओपन, मतलब फिर से रीस्ट्रक्चर कर रहे हैं। तो कंपनी कोई छोटा मोटा कंपनी है, 1,77,000 करोड़ के आसपास है। कंपनी का पी रेशियो देखिए रिजनेबल में है, आरओसी आरओई तो चलो एवरेज के नीचे है। कंपनी का डेप्थ कितना है, 1% के आसपास, जो अदानी ग्रुप के बाकी कंपनी में 3-4% के आसपास डेप्थ देखने को मिल जाते हैं। जहाँ पे डेप्थ ऑफ इक्विटी के बारे में बात करें तो 1.16% के आसपास इसका डेप्थ देखने को मिला। एनुअल इनकम कितना है, 5,300 करोड़ के आसपास, और अभी अर्निंग पर शेयर कितना है, 29 रुपीज। तो जब हर पैरामीटर्स कंपनी के पॉजिटिव में है, हाँ आप बोल सकते हैं कर्जा बहुत ज्यादा है, फिर भी एक पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आप देखेंगे इसका मार्केट कैप कितना है, 1,77,000 करोड़ के आसपास, और एंटरप्राइजेस वैल्यूज कितना है, 2,26,000 करोड़ के आसपास। इसका मतलब एक्स्ट्रा पैसा कहाँ से है, एक्स्ट्रा इनकम से कंपनी का पैसा मिला। और कंपनीज के जो क्वार्टरली जो रिजल्ट है वो आप देखेंगे, कंपनी का कंटिन्यूअसली कंपनी सेल को इंक्रीज किया। ऐसे नहीं कि हिंडनबर्ग के रिपोर्ट आएगा कंपनी आ गया, कंपनी बर्बाद हो गया, ऐसे बिल्कुल नहीं। कंपनी का सेल्स देखिए लगातार लगातार इंक्रीज हुआ, और इस बार कंपनी हाइस्ट सेल्स जनरेट किया, और हाइस्ट सेल जनरेट करने के बाद भी, कंपनी एक्सपेंस मिटाने के बाद भी, टैक्सेशन देने के बाद भी, कंपनी क्या किया, अच्छा खासा नेट प्रॉफिट जनरेट किया, और हाइस्ट आज तक की हाइस्ट प्रॉफिट जनरेट किया 2,000 करोड़ के आसपास। जब कंपनी का इस तरीके से कुछ परफॉर्मेंस होता है तो एक बात याद रखना, आप अगर उस कंपनी में आकर 50% के आसपास शेयर में डिस्काउंट चल रहा है तो इससे बढ़िया मौका और कुछ नहीं है, इससे बढ़िया मौका आपको दोबारा नहीं मिलेगा। तो कंपनी के बैलेंस शीट के बारे में बात करूँ तो कंपनी जो कर्जा लिया, आप कहेंगे सर रिजर्व से भी तो कई गुना ज़्यादा कर्जा है, हाँ कर्जा तो है, तो कर्जा किस बेसिस में लिया गया वो देखना बहुत जरूरी है। तो कर्जा जो इस बेसिस में लिया गया, यहाँ पे लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म ये दोनों तरीके से कर्जा लिया गया। अभी लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म के बारे में बात करूं तो यहाँ पे एक चीज़ याद रखना कि लॉन्ग टर्म के हिसाब से 46,500 करोड़ का लॉन्ग टर्म के कर्जा है, और लॉन्ग टर्म के लिए वो सोच रहा है तो बिजनेस लॉन्ग टर्म के लिए ही होगा। शॉर्ट टर्म में कंपनी को उतना ज़्यादा कर्जा नहीं लिया। अभी कर्जा किस बेसिस में लिया गया वो भी देखिए, फिक्स एसेट लगातार बढ़ते गए, इस बार 72,000 करोड़ तक पहुँच गया। उसके साथ CWIP 6,800 करोड़ के आसपास कंपनी का पैसा फंसे हुए है, मतलब कंपनी पैसे को रीयूज किया, री इन्वेस्ट किया, और उस पैसे नेक्स्ट ईयर में क्या होगा वो फिक्स एसेट में दिखेगा। तो यहाँ पे कुछ मतलब कुछ एसेट के बारे में बात करूँ, आधा एसेट में आप देखेंगे तो ट्रेड रिसीवेबल में ऐसे नहीं कि कंपनी को प्रोजेक्ट नहीं मिला है, 3,900 करोड़ का प्रोजेक्ट मिला, तो अच्छा खासा सारे सारे पैरामीटर्स के हिसाब से देखने को मिला है। अभी म्यूचुअल फंड वाले के बारे में बात करूँ तो देखिए, जब हिंडनबर्ग का रिपोर्ट आया था तो भारी भरकम सेल किया गया था, उसके बाद देखिए धीरे धीरे करके सेल कम हो गया, और लास्ट जो जुलाई मंथ है वहाँ पे अच्छा खासा बाइंग किया गया। यही तो रिटेल पब्लिक गलती करते हैं, रिटेल पब्लिक को यही लगता है कि कंपनी में खराबी आया है, कंपनी बर्बाद हो जाएगा तो मैं एग्जिट हो जाऊँ। देखिए रिटेल पब्लिक एग्जिट नहीं हुआ, अच्छी बात है, उसके साथ साथ इंस्टीट्यूशन भी देखिए खुद का स्टेक नहीं बेचा। तो इस कंपनी के चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करूँ तो ध्यान दीजिएगा, अदानी पोर्ट्स के ऊपर मैंने एक टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स आपके साथ मेंशन किया था, और देखिए मैंने आपको कहाँ पे मेंशन किया, मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ कि मैंने यहाँ पे तो एक एंट्री लिया था 450 के आसपास, एक्चुअली 450 रुपीज़ के आसपास एंट्री लिया था,
और क्यों लिया था, मैं पीवीएस वीडियो में आपके साथ डिस्कशन किया हूँ, क्योंकि इसका पीवीएस जो डेटा है उस हिसाब से देखा है तो कंपनी, देखिए जिस रेंज को कंपनी, जिस रेंज को यहाँ पे टच किया, मतलब जिस रेंज में कंपनी का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था उसको ब्रेक किया और एक बड़ा धमाका हुआ, तो वही वही रेंज यहाँ पे कंपनी के लिए फिर से एक रेजिस्टेंस बना, और एक क्या बना, एक हैमर जैसे कैंडल बना। जब कोई रेजिस्टेंस में हैमर जैसे कैंडल बनते हैं तो उसके ऊपर एक स्ट्रॉन्ग बाइंग एंट्री मिल जाते हैं, और मैंने यहाँ पे एंट्री लिया और टारगेट भी मुझे अच्छा खासा लेवल, इस लेवल तक टारगेट अचीव किया हो। और सेकेंड एंट्री कहाँ पे लिया वो भी मैं आपके साथ मेंशन किया हूँ। यहाँ पे देखिए क्या बना, कफ विथ हैंडल पैटर्न, और इसमें हैंडल भी बना यहाँ पे और उसको ब्रेकआउट भी इस कैंडल ने दिया, और एंट्री यहाँ पे बना और कितना परसेंट का टारगेट था, 20%। तो 20% कहाँ पे टारगेट हुआ, देखिए इजिली टारगेट हुआ। तो मैं आपको बार बार बोलता हूँ, जो ट्रेड आपने लिया अगर सोच समझ कर, पैरामीटर साथ सब कुछ देखकर, फंडामेंटल फाइनेंशियली ग्रोथ देखकर निवेश निवेश किया, तो आप धीरज रखिए, पेशेंस के साथ बने रहिए, वहां पे आपको प्रॉफिट आज नहीं तो कल मिलेगा ही मिलेगा। तो अभी कोई भी ट्रेड नहीं बना है, मेरे हिसाब से एक बड़ा ट्रेड बन सकते हैं यहाँ पे, बिग एक कफ विथ हैंडल पैटर्न बनेगा, तो मैं फिर से एक बड़ा एंट्री लेने के लिए सोचूंगा, क्योंकि मेरे हिसाब से कंपनी फिर से वही हायर लेवल को ब्रेकआउट करने का कोशिश करेगा, तो बेस्ट अपॉर्चुनिटी बनेगा। तो जब बनेगा तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके नाम है केपीआईटी टेक्नोलॉजीज। केपीआईटी टेक्नोलॉजीज एक आईटी सेक्टर से बिलोंग करते हैं। तो कंपनीज के सबसे प्लस पॉइंट क्या है आप जानते हैं, कंपनी के सबसे प्लस पॉइंट है ऑटोनोमस। तो ऑटोनोमस जो मोबिलिटी सॉल्यूशंस है उसके ऊपर कंपनी काम करते हैं। अगर आप कहेंगे सर केपीआईटी का जो बिजनेस है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर काम कर रहे, यही सुनने को मिला। हाँ बिल्कुल आपने सही सुना, आप देखेंगे तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ साथ डिजिटल सॉल्यूशंस, इस दोनों प्रोजेक्ट फ्यूचर में लॉन्ग विजन के लिए देखना चाहिए, और उस हिसाब से इस कंपनी काम कर रहे, तो इस कंपनी का ग्रोथ और पोटेंशियल फ्यूचर में बहुत ज्यादा होने वाला है। अभी कंपनी का पी रिश्यू के हिसाब से बात करो तो बहुत ज्यादा हाई है। कितना हाई है मैं आपको बता दूं कि कंपनी का पी रिश्यू अभी देखने को मिला, एक टाइम कंपनी का पी रिश्यू चला गया था ऑलमोस्ट देखा जाए तो 90 के आसपास, वहां से गिरते गिरते कहाँ तक आया, 70 के आसपास। तो पी रिश्यू में करेक्शन देखने को मिला, और कंपनी का पी रिश्यू जो है, मैं एक चीज भी दिखाना भूल गया, एवरेज पी रिश्यू कितना है, 48, और कंपनी का पी रिश्यू कितना चल रहा है, 70 के आसपास। इसका मतलब पी रिश्यू बहुत ओवर वैल्यूड है शेयर, तो कभी ना कभी करेक्शन हो सकता है। करेक्शन ना भी हुए तो बहुत दिनों तक एक ही रेंज के ऊपर कंपनी काम कर सकते हैं, एक ही रेंज के ऊपर काम भी करे तो पी रिश्यू भी करेक्शन हो जाते हैं। तो रही बात कंपनीज के बाकी पैरामीटर्स का, जैसे आर ओ सी आर ओ बेस्ट है, कंपनी का डेप्थ ना के बराबर है, एनुअल इनकम भी अच्छा खासा है, हाथ में कैश भी है, और दो तरीके से चीज मुझे अच्छा लगा इस कंपनी के बारे में। क्वार्टर में इस बार कंपनी क्वार्टर देखिए, हर जून के क्वार्टर देखेंगे तो आपको एक चीज देखने को मिलेगा, कंटिन्यूअसली जून मंथ में अच्छा खासा यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिला, अच्छा खासा एक सेल्स का ग्रोथ देखने को मिला, और सेल्स जब बढ़ा तो प्रॉफिट तो बढ़ेगा ही। तो यहाँ पे देखिए कंपनी 24 करोड़ से 60 करोड़, 88 करोड़, उसके बाद इस बार बना 134 करोड़। यहाँ पे एक बिग अपॉर्चुनिटी, एक बिग पॉजिटिव पॉइंट यहाँ पे देखने को मिला है। अभी कंपनीज के जो थर्ड पॉइंट है जो मुझे सबसे अच्छा लगा वो है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में कंपनी का रिजर्व बढ़ा, कंपनी का कर्जा कमा, मतलब कम कम हुआ, और उसके साथ साथ फिक्स एसेट भी बढ़ा, और इस बार कंपनी सी डब्ल्यू आई पी में 33 करोड़ पैसा टोटली कंटिन्यू कर रहा है, मतलब 33 करोड़ के आसपास पैसा कंपनी अभी भी प्रोसेसिंग में है, जो पैसा नेक्स्ट ईयर में आपको फिक्स एसेट में दिखेगा। तो इस कंपनी के जो इन्वेस्टर है वो देखिए इंस्टीट्यूशन एफएसडीएस ने बीच में तो माल बेच दिया था, फिर से वो धीरे धीरे करके खरीदारी कर चुके हैं। अब इस कंपनी के चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करूँ तो ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको एक ट्रेड मेंशन किया था नीचे साइड में, और एक बड़ा सा टारगेट था। मुझे बहुत कमेंट्स आया इस टारगेट के ऊपर कि सर आपने तो इतना बड़ा टारगेट दे दिया, क्या टारगेट दे दिया का मतलब क्या है, मैंने कोई भी टारगेट आपको नहीं दिया, जो टारगेट बन रहा है, जो मैं खुद ट्रेड ले रहा हूँ वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मैं आपको किसी को भी टारगेट नहीं देता, मैं किसी को कोई भी रिकमेंडेशन, कोई भी मतलब टिप्स नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि आप सीखिए, सीख कर काम करेंगे तो आपको मेरे जरूरत भी नहीं पड़ेगा, आप खुद ही स्टॉक को एनालिसिस करके काम कर सकते हैं। आप देखिए यहाँ पे क्या बना, एक कप बना उसके बाद एक हैंडल बना, तो कफ विथ हैंडल पैटर्न क्रिएट हुआ, उसके बाद देखिए एक जर्नी देखने को मिला, और शानदार सा प्रॉफिट यहाँ पे अचीव हुआ, और वो भी कितना, 48%, 41%। तो एटलीस्ट 40% के आसपास यहाँ पे रिटर्न कंपनी दे चुके हैं, क्योंकि इस कैंडल ने ब्रेकआउट किया और
और इस कैंडल ने कंफर्मेशन किया। तो अभी फिलहाल के लिए क्या राय है? फिलहाल के लिए देखिए, फिर से यहाँ पे एक रेंज के ऊपर कंपनी फंस चुके हैं। मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, इस रेंज तक कुछ दिनों तक फंसे रहेंगे। तो यहाँ पे अगर ब्रेकआउट भी हुआ तो एंट्री मत ले लेना, क्योंकि यहाँ पे ब्रेकआउट होने के बाद एक बार रिट्रेसमेंट करके अगर ब्रेकआउट हुआ तो बड़ा सा धमाका हो सकते हैं। बाकी अब समझदार है, उस हिसाब से जरूर काम करना। तो नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूँ, उसका नाम आप देखेंगे, जिसका नाम है मजागॉन डक शिप बिल्डर्स लिमिटेड। तो ये एक देखा जाए तो एक गवर्नमेंट कंपनी है, क्योंकि इसके पास देखिए आप देख सकते हैं प्रोमोटर कौन है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जिसके पास 100% शेयर था, धीरे धीरे करके कम हुआ। अभी देखा जाए तो इस कंपनी के ऊपर OFS आने वाले हैं। तो OFS देखिए, हर गवर्नमेंट कंपनी के ऊपर जो जो कंपनी के ऊपर 75% के ऊपर होल्डिंग्स है, 75% के ऊपर होल्डिंग्स है, उस कंपनी के ऊपर स्टेक को बेचना पड़ेगा। अभी OFS क्या है, मैं इसके ऊपर एक डिटेल्स वीडियो बना के दिया हूँ, फिर भी मैं आपको छोटा सा डेटा यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ। OFS का मतलब है ऑफर फर्स्ट सेल। मान के चलिए यहाँ पे कंपनीज के जो शेयर होल्डिंग्स है, प्रोमोटर के पास जो होल्डिंग्स है, सेबी ने एक रूल्स जारी किया कि जितने सारे प्रोमोटर है, उस प्रोमोटर के टोटल जो होल्डिंग्स है, वो होल्डिंग्स 75% के ऊपर नहीं होना चाहिए। तो अगर आपके पास ज्यादा होल्डिंग्स है तो उसको बेचना पड़ेगा, और आपको 75% के नीचे होल्डिंग्स रखना पड़ेगा। यहाँ पे कितना है, 84 पॉइंट, मान के चलिए यहाँ पे 85 ही मान लेता हूँ मैं, और उसके बाद 75, तो ऑलमोस्ट 10% का शेयर यहाँ पे बेचना पड़ेगा। तो जब इतने बड़े कंपनी के ऊपर 10% शेयर बेचेंगे तो सोचिए कितना बड़ा शेयर को डाउन साइड में देखने को मिलेगा। डाउन साइड मतलब एक सेल ऑफ, एक एडजस्टमेंट प्राइस आपको नीचे साइड में दिखेगा। तो मेरे हिसाब से जो अपॉर्चुनिटी यहाँ पे कंपनी दे रहा है, जिस अपॉर्चुनिटी कंपनी यहाँ पे दिखा रहा है, तो एक अच्छा खासा धमाका कंपनी परफॉर्मेंस किया। और कंपनी के जो परफॉर्मेंस आप देखेंगे, कंपनी अच्छा खासा ROC ROE बेस्ड है, कंपनी के डेप्थ जीरो है, एनुअल इनकम भी अच्छा खासा है, आज डिफेंस सेक्टर स्ट्रांग हो रहा है, तो इस तरीके से कंपनी का ग्रोथ होगा। क्योंकि एक शिप बिल्डर्स कंपनी है, तो शिप बिल्डर्स कंपनी का आगे चल के बहुत बड़ा तेजी से ग्रोथ होने वाला है, क्योंकि इकोनॉमिकली इंडिया बहुत तेजी से ग्रोथ कर रहा है और बहुत तेजी से ग्रोथ करेगा। आप पहले ही जानते हैं चंद्रयान 3 अच्छी तरीके से लैंड किया, और आज वर्ल्ड में इंडिया का नाम एक सबके ऊपर देखने को मिला, क्योंकि जिस जगह पे चंद्रयान ने लैंड किया साउथ पोल में, वहाँ पे आज तक कोई भी वर्ल्ड के कोई भी बड़े कंट्रीज पहुँच नहीं पाए। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि इकोनॉमिकली जब मतलब कोई भी कंट्रीज का ग्रोथ होता है तो हर सेक्टर का ग्रोथ होगा, हर सेक्टर का, हर कंपनीज का ग्रोथ होगा। तो इस हिसाब से देखा है तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर आप फोकस रख सकते हैं। फिर भी एज अ ट्रेडिंग के लिए मैं इस तरीके से कंपनी को सोचता हूँ, मैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए सोचता नहीं हूँ, क्योंकि एक गवर्नमेंट कंपनी है, गवर्नमेंट कुछ भी पॉलिसी लेके आएंगे तो कंपनी के ऊपर भारी भरकम गिरावट भी हो जाएगा। तो मैं इसलिए हमेशा ट्रेडिंग पर्पज में सोचता हूँ। तो ट्रेडिंग पर्पज में क्या राय है, चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी देखिए एक ट्रेंड बना था, एक ट्रेड बना था, मैं आपको मेंशन भी किया, यहाँ पे एक मतलब एक रेजिस्टेंस बना था, और इस रेजिस्टेंस को अच्छी तरीके से यहाँ पे मतलब करेक्शन भी हुआ, और यहाँ पे ब्रेकआउट भी होने के बाद मैंने आपको बोला था कि एक ट्रेड अच्छा खासा बना और यहाँ पे इस लेवल तक जरूर आएगा, तो अच्छा खासा टारगेट बना। फिर से देखिए यहाँ पे क्या हुआ, कंटिन्यूसली यहाँ पे होल्ड किया। जब होल्ड कर रहा था तब भी मैं आपको वीडियो बना के यही बताया था कि अगर इस लेवल को ब्रेकआउट करेगा तो मैं एक एंट्री लूंगा, और मुझे फटाफट से यहाँ पे मैं एग्जिट भी करूंगा, क्योंकि यहाँ पे फोमो बाइंग हो रहा है, हायर साइड में फोमो बाइंग हो रहा है, क्योंकि लगातार लगातार बाइंग जब हुआ तो इस तरीके से देखिए, फिर से इस रेंज को ब्रेकआउट किया, उसके बाद ऊपर गया, फिर से इस रेंज को ब्रेकआउट किया, ऊपर गया, फिर से इस रेंज को ब्रेकआउट करेगा तो फिर से ऊपर ऊपर जाएगा। तो यही नेचर बन गया है। अभी देखिए एक फ्लैग विथ पुल, यहाँ पे एक फ्लैग बना, उसके बाद एक पुल बना, तो फ्लैग विथ पुल जैसे पैटर्न बनते हैं, तो उसको अगर हायर साइड में ब्रेकआउट करते हैं, उसके ऊपर कोई भी एंट्री लेवल्स मिले, तो सोचना एक बड़ा सा धमाका फिर से हो सकता है। तो फिलहाल के लिए मैं अगर ब्रेकआउट भी हुए तो भी एंट्री नहीं लूंगा, क्योंकि इस तरीके से मैं फोमो बाइंग नहीं करूंगा, क्योंकि कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स आया था, कुछ पॉजिटिव न्यूज आया था, उसी के चलते लोगों ने इस कंपनी के ऊपर अच्छा खासा बाइंग किया। तो बाकी मैं अभी फिलहाल के लिए इस कंपनी को अवॉइड करूंगा, बाकी कोई भी अच्छा खासा कोई लेवल बने तो मैं जरूर शेयर करूंगा आपके साथ। तो नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूँ, उसका नाम है जुग डेकोर लिमिटेड। जो जुग डेकोर लिमिटेड के बारे में बात करूँ तो एक छोटा सा कंपनी 68 करोड़ के आसपास है, और इस कंपनी का बिजनेस मॉडल के बारे में बात करूँ तो कंपनी प्रिंट
सेक्टर से बिलोंग करने वाला कंपनी है, छोटा सा कंपनी है, तो इस कंपनी के ऊपर एक धमाका परफॉर्मेंस हुआ है। कंपनी 50 रुपीज से कंपनी 110 तक गया, इसका मतलब फंड 2x कर दिया। तो इस 2x होने के कारण, एक अच्छा खासा मोमेंटम होने के कारण इस कंपनी में एक अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिला, और उसी लिए बोर्ड मेंबर ने एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया। और इस कंपनीज ने एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट ये दिया कि आपको हर 100 शेयर में आपको 15 शेयर मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे 15:100, 15:100 का बोनस देने वाले थे। तो हर 100 शेयर में आपको 15 शेयर मिलेगा। मान के चलिए आपके पास 99 शेयर है तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, ये बात आप याद रखना। और मेरे कहने का मतलब है, आप सोच समझ कर कंपनीज के ऊपर स्टडी करके ही काम करना, ऐसे नहीं कि ब्लाइंडली कल ही जाके निवेश कर लेंगे, क्योंकि 100 शेयर खरीदने से क्या होगा, 100 शेयर खरीद ही लेंगे, मुझे तो 15 शेयर मिल जाएगा, ऐसे सोचकर कभी भी निवेश मत करिए। बाकी आप स्मार्ट है, उस हिसाब से जरूर काम करिए। तो मेरा काम था आपको सिखाना, समझाना, और मतलब सारी चीज़ों को आपके साथ शेयर करना। कोई भी टिप्स एंड रिकमेंडेशन मेरा कभी नहीं होता है, और फ्यूचर में भी नहीं रहेगा। बाकी आप वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक जरूर करना, दोस्तों के साथ शेयर भी करना, क्योंकि आपके शेयर, आपके लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं। और आपको कौन सा स्टॉक स्टॉक के ऊपर जानकारी चाहिए, मुझे जरूर कमेंट्स करके बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, धन्यवाद।